सो गाइज आप सभी ने भी सुना होगा मिस्टर एंड मिस, मिस्टर यूपी, मिस्टर कैपिटल, ये सभी क्या होते हैं एंड आपकी इसमें फेक एजेंसियां हैं, जेन एजेंसियां कौन सी वाली होती है, सो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सो गाइज अपने भाई को भी सपोर्ट करना, अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जाके आप अपने एक बार को टैप कर सकते हैं, आपका भाई आपको 24 घंटे वहीं मिलेगा। सो गाइज कोई भी क्यूरीज हो अपने भाई को इंस्टा पर भी बताएं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो अब बात करते हैं आज की नई वीडियो के बारे में। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग, आई होप यू ऑल आर सो गुड। सो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि आप मॉडल बनने से पहले क्या क्या चेंजिंग करनी चाहिए आपको अपनी लाइफ में एंड किस टाइप के मॉडल हैं, ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इन दोनों के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, सो देखना, बताना एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना गाइज। गाइज आप सभी ने भी सुना होगा मिस्टर एंड मिस, मिस्टर किंग, मिस्टर यूपी एंड मिस्टर कैपिटल, ये सब होते क्या हैं, ये सभी एक मॉडल कॉम्पिटिशन होते हैं एंड इसमें मॉडल को क्या करना होता है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ एंड फेक एजेंसी एंड जैन एजेंसियों में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अपने भाई को सपोर्ट भी करना, लाइक कमेंट एंड शेयर तो जरूर कर ही देना। सो अब बात करते हैं आज की नई वीडियो के बारे में। आज मैं आप सभी को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि फेक एजेंसियाँ कौन सी वाली होती हैं, जैन एजेंसियाँ कौन सी वाली होती हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं सारी डिटेल इस चीज़ में बता दूंगा कि फेक एजेंसियों को आपको कैसे डिफरेंस होता है जैन एजेंसियों। तो गाइस जैसे कि आप सभी ने सुना है इन सभी के बारे में, ये सब क्या होते हैं, ये सभी एक मॉडल कॉम्पिटिशन होते हैं, इन्हें मॉडल पेजेंट शोज भी बोला जाता है। इसमें मॉडल का सिलेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट बेस पर होता है, इसमें मॉडल के लुक्स, मॉडल की हाइट एंड मॉडल की एज के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने अच्छे मॉडल हैं एंड सिलेक्शन में आपकी हाइट एंड आपके एज एंड आपके लुक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका वो सिलेक्शन करेंगे या नहीं। गाइस अब मैं आप सभी को ये बता देता हूँ इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होता है। सो जितनी भी जैन एजेंसियाँ होती हैं वो आपके एक ऑडिशन के ऊपर डिपेंड करता है वो आपका सिलेक्शन करें या ना करेंगी। सो फेक एजेंसियाँ जो होती हैं वो बस आपसे पैसे लेती हैं एंड आपका सिलेक्शन करा देती हैं। सो गाइस बी केयरफुल फेक एजेंसियों से। सो अब मैं आपको बताता हूँ जो भी जैन एजेंसियाँ होती हैं वो आपका सिलेक्शन कैसे करती हैं। वो आपका एक ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, वहाँ पे आपके लुक्स की हाइट एंड आपकी एज एंड आपकी बॉडी मेजरमेंट का सबका एक कैलकुलेशन करते हैं देन वो आपका सिलेक्शन करते हैं। सो वो आपको एक टैलेंट राउंड के लिए दोबारा बुलाते हैं एंड टैलेंट राउंड में वो आपके देखते हैं एक्टिंग, मॉडलिंग एंड डांसिंग एंड सिंगिंग, एनीथिंग आपका कोई भी टैलेंट हो आपको वहाँ शो कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बाद में आपका सिलेक्शन होता है। सो गाइज बी केयरफुल, फेक एजेंसियों में ऐसा कुछ नहीं होता, जैन एजेंसियों में जो कुछ होता है वो मैं आपको सब बता चुका हूँ। आप केयरफुली जाके वहाँ पे अपना ऑडिशन दें एंड अपना सिलेक्शन करें, फेक एजेंसियों से थोड़ा दूर रहें क्योंकि फेक एजेंसियाँ जो भी होती हैं बस वो आपके पेमेंट के लिए आपको बार बार कॉल करती रहती हैं। गाइज बी केयरफुल एंड जैन एजेंसियों में जाएँ, जल्दी जाएँ, सिलेक्शन कराएं अपना एंड अपनी मॉडलिंग स्टार्ट करें। आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप आपका होता है आपका स्टेज परफॉर्मिंग। सो आपको वहाँ पे 3 राउंड होते हैं, एक आपका एथनिक होता है, एक आपका इंट्रो राउंड होता है एंड आपका एक होता है टैलेंट राउंड। इन सभी में आपको वॉक करनी होती है एंड आपके लुक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे मॉडल बनोगे या नहीं। एथनिक राउंड जो होता है उसमें आपके कोट पैंट या कोई शेरवानी या इंडो वेस्टर्न टाइप के लुक्स होते हैं एंड आपको उसमें वॉक करनी होती है, ये सभी एथनिक राउंड में होता है। एंड आपका आता है नेक्स्ट इंट्रो राउंड। इंट्रो राउंड में आपके वो पूछते हैं आपके बारे में, आपकी एज, आपकी हाइट, आपके लुक्स एंड आपने क्या पहना हुआ है, ये सभी एंड वो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपसे क्या पूछ ले सामने वाला। सो और आपका लास्ट में आता है टैलेंट राउंड। टैलेंट राउंड में आपको दिखाना होता है अपनी डांसिंग, सिंगिंग एंड आपके जो भी टैलेंट हो, कुछ भी एनीथिंग, वो सभी आपको परफॉर्म करनी पड़ती है स्टेज पर। सो गाइस ये सभी चीज़ें होती हैं एक मॉडल पेजेंट शोज में। आई होप आप सभी की सारी क्यूरीज कंप्लीट हो गई होंगी। सो गाइज जैसे कि आप सभी को मालूम हो चुका है कि फेक एजेंसियाँ कौन सी वाली हैं, जैन एजेंसियाँ कौन सी वाली होती हैं, इन सभी में यही डिफरेंस होता है वो आपको ऑडिशन के लिए बुलाती हैं जैन एजेंसियाँ, फेक एजेंसियाँ बस आपसे पैसा लेती हैं। गाइज सो बी केयरफुल, आप फेक एजेंसियों से थोड़ा सा दूर रहें एंड अपनी लाइफ को अच्छे से इम्प्रूवमेंट करें एंड अपनी केयर करना शुरू करें, अपने फेस की, अपने हेयर की,
गाइस थोड़ा लुक में रहना शुरू करो, आपको बेनिफिट होगा इसमें बहुत ही ज़्यादा। सो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, अपने भाई को भी थोड़ा सा यार सपोर्ट करो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, दोबारा बोल रहा हूँ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।